ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का सीन जब जाता हूँ, आज जा रहे हैं बाहर मेरी एक मंदिर के अंदर मेरी बहन वाली फैमिली के साथ। शायद मैंने टाइटल में डाल भी दिया होगा, अगर नहीं डाला है तो आपको दिखा भी देंगे, उसका राइडिंग एक्सपीरियंस भी देंगे एंड सारे डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे। नहाने से पहले मैंने एक काम दे दिया है, वो है लिस्टिंग काम। मतलब लोगों के घर में क्या होता है, जब उठते हो रहे पानी मिलता है, चाय मिलती है, जूस मिलता है, मेरे घर में आते ही कपड़ा दे जा, लेबर लग जा काम पे। मतलब भाई इंसान उठा है, थोड़ा समय दे दो, थोड़ा सुध बुद्धि में आने दो, पर नहीं। तो टाइम ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, मैं साल जी 7:30 बजे तक के आसपास उठ गया था एंड आज थोड़ा सा प्लेजेंट वेदर है, हल्का सा ठंडा वेदर, क्योंकि कल हुई थी आंधी बारिश तूफान और अल्ट्रोज अभी भी नहीं ढकी हुई है, क्योंकि वॉश करके ही ढकूंगा यार अच्छे से, कल बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो अब चल रहे हैं फटाफट से नहाने एंड बाहर आज ठंडा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आने वाला है। एंड इफ यू आर अ ट्रू इंडियन यू मस्ट नो अबाउट दिस रूल, अगर आप एक बार ठंडे पानी से नहाने लग गए तो लग गए, गर्म पानी से नहीं नहाना, एक अलग ही इंडियन ईगो है भाई साहब। और इतना ठंडा पानी था ना यार, मतलब और ये भी नहीं यार, पता है ठंडा पानी आना वाला है फिर भी गर्म पानी से नहीं नहाएंगे भाई साहब। हम इंडियन के अंदर भी एक अलग ही होती है कि गर्मियों में एक बार ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट करते हैं तो बस भाई अब गर्म पानी से नहीं नहाना, चाहे कुल्फी जम रही हो चाहे बर्फ जम रही हो, नहीं भाई नहीं, ठंडे पानी से नहाना मतलब ठंडे पानी से नहाना, गर्म पानी से नहा ले तो पता नहीं भाई क्या ही हो जाएगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? Okay, तो अभी टाइम हो चुका है यार 9:19 एंड लिटरली मैं 7 बजे का वेट कर रहा हूँ कि आएंगे एंड अब आई है ये, वाह। So right now we are in Altroz and finally चलाने का मौका मिल चुका है, एक लॉन्ग ट्रिप पे, तो चलाने के बाद बताऊंगा। तो यार अभी रुके थे एक बार पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भरवाया, हवा चेक करवा रहे हैं क्योंकि मैडम गाड़ी दिलवाना एक वो है, गाड़ी की बेइज्जती है इसको, मतलब कभी चलानी नहीं और कुछ नहीं है, अल्ट्रोज की क्यों कर रहे हैं सिस्टम भाई। एक चीज है यार, जो टिगोर अल्ट्रोज में मेन डिफरेंस है ना, टिगोर है फैमिली कार जिसने मतलब फैमिली से चलाना हो, कम्फर्ट वगैरह, एंड अल्ट्रोज इज लाइक लॉन्ग टूर पे जाना हो, पावरफुल कार है यार। टिगोर थोड़ी अंडर पावर लगती है, ढीली डाली सी कार, जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है। सो फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पे, बढ़िया रास्ता था यार, एक नंबर का सुतरा, सब कर ले, चले अच्छा, लोग भी करनी पड़ा रहे तमता बड़े है ड्राइवर भाई, बहुत ज्यादा शोर शराबा, बाकी भी यार फाइनली इनसाइड। क्या नाम है मंदिर का? महेश्वरी देवी का मंदिर है एंड सबसे बेस्ट पार्ट जो लगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी, और भाई साहब अंदर जाने नहीं दे रहे विदाउट मास्क, इज सच अ ग्रेट थिंग। Okay, so प्रसाद भी बाहर रखवाया जा रहा है। आपको एक और पर्सन से मिलाता हूँ, हिज नेम इज संजीव, से हेलो टू द व्लॉग। हाय गाइस, व्हाट्स अप। ओके,
हुए। सो मेरा तो इधर सिर्फ सेकंड टाइम था, मतलब फर्स्ट टाइम ही मान लो, बट संजीत बहुत बार आ रखा है तो वो ही बता सकता है। तो पहले कितनी भीड़ रहा करती इधर? पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अब की बार कोरोना की वजह से थोड़ी कम हो रखी है, बट वो भी लगती नहीं कम है। ओके, और अब की बार इतना घूम के आना पड़ा, पर पहले इतना नहीं घूमना होता था। पहले तो सीधा सीधा रास्ता था, अब तो कोरोना की वजह से थोड़ा बना रखा है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। दिखा मैं ब्लॉग उड़ा रहा, मम्मी होगी मेरे को ही ले स्क्रीन मम्मी को। आज मेरा बेटा मुझे है ना बेरी घुमाने लाया हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा आप लोगों को स्टोरी बता दो, मैं इधर सेकंड बार कैसे आ रहा हूँ। पहली बार मम्मी की जो मम्मी थी वो मेरे को ले गए थे, मैं छोटा सा था, मतलब मेरी नानी ने मांगी थी मन्नत, मन्नत आर्यन की यहाँ से मन्नत मांगी थी माता ने, फिर मन्नत को पूरा किया, फिर हम यहाँ पे इसको दुकान से लाए त्रिमोदिन को ले। और ये पीछे मेरी मौसी थी, मतलब मेरी बहन की दूसरी मम्मी। अब आरिन को वो लेके आई है, हम आरिन को वो लेके आई है। हाँ अब की बार वो लेके आई है। ये मतलब बिल्कुल रात को ही प्लान बना था मेरा आने का, प्रीति का फोन आया कि तेरे को चलना है, मैं कहा चलो देखिए, और पूछ ब्लॉग बन रहा है, घूम रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और क्या चाहिए। अब ये बता रही थी कुछ स्टोरी मंदिर के बारे में, बता पांडव थे ना। आवाज पर इधर हवा नहीं है, हवा में आवाज नहीं आएगी साहब। महाभारत के टाइम पे जो पांडव थे तो उनमें थे कि हमारे भीम, तो उन्होंने जो भीमेश्वरी देवी थे उनसे प्रार्थना की थी कि आप मेरे साथ चलिए, उनको लेके जाना चाहते थे, लेकिन माता ने एक शर्त रख दी थी कि आप मुझे जहाँ पर भी रख दोगे मैं आपके कंधों पे चलूंगी, और आपने अगर जैसे मुझे अपने कंधों से उतारा और जहाँ भी रख दोगे मैं वहीं पर ही स्थापित हो जाऊंगी। तो जब जैसे भाई चलते आ रहे थे जंगल से, काफी टाइम लगा, तो बेरी आके उनको लगा कि भाई मुझे वॉशरूम जाना है। तो ना जब भगवान मतलब वो भीम जी सोचने लगे कि अब क्या करूं, तो उनको वॉशरूम का ज्यादा ही प्रेशर हो गया, तो पेड़ पे माता को रख के वो चले गई, भाई जमीन में नहीं रखा। लेकिन जब तक वो आए तो जो भीमेश्वरी देवी माता थी वो हमारे यहाँ पे स्थापित हो गई थी, उन्होंने आगे जाने के लिए मना कर दिया। एक बार बता, हमारे गांव में लगा कर साल में एक बार ये मतलब मेला, अब तुम्हारे मामा के तो रोज लगा रहे, तो कितना खर्चा करा करते थे छोटे थे? मेरे लिए तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, मतलब मम्मी कितने खिलौने लेकर करता मैं, काफी गाड़ी और जेसीबी का तो बहुत ही होता। हमारे तो संजीत रे रोज मेला लगता फिर कभी भी नहीं लिया खिलौना, अच्छे ही नहीं लगते थे खिलौने। कौन है ये लोग? संजीत तेरे को भी कोई चीज दवानी है? ना भाई तो मम्मी वगैरह फ्रूट वगैरह लेने लगी थी, क्योंकि अब जा रहे हैं संजीत के मामा के घर पे। एक मिनट बता, मैं गाड़ी निकालूं, ब्लॉक कर। हाँ तो गाइस हमें मतलब मुझे 3-4 महीने हुए मामा के घर पे गए हुए, उससे पहले अभी बहुत लंबा समय लगा मुझे वापस जाने के लिए। अभी देखते हैं, मैं अपने भाई से मिलूंगा, कजिन अमन से, एंड मिलते हैं अभी, गाड़ी निकाल रहे हैं। ओके अब चल रहे हैं संजीत के मामा के घर पे। हम दोनों पीछे रह गए थे, मम्मी और सारे जा चुके, हम बेल्ट वगैरह पहने थे क्योंकि अंदर चमड़ा लो नहीं पहन के जाते हैं मंदिर में। सो यस, एंड आ चुके हम इसके मामा के घर पे, अभी आने वाले चल चुके हैं मामा जी मेरा, सभी भाई वगैरह सभी के घर है। तो मतलब मामा के घर पे जाने में तो एक्साइटमेंट होती है। हाँ होती है, सबसे पहली चीज तो कमाई होके आएगी। बंदर दारू पी रहे हैं।
सभी टाइम हो रखा है 12:05 एंड अभी उनके मामा बड़े वाले मामा हैं बड़े वाले बड़े वाला मामा जी के घर पे एंड अभी हम लोग अंदर बैठे थे वो सब लोग बाहर बात कर रहे हैं आई गूगल एंड ओके सो ये आ गया है खाना। मैं तो रहा था सो इन लोगों ने मेरी वीडियो बना दी सोते हुए कटारिया सोते हुए। और लेट अप यार 2 बज चुके हैं और अब चल रहे हैं वापस रोहतक की तरफ एंड प्रीति वाली गाड़ी के अंदर वो नहीं लगा जिसके ऊपर फोन माउंट करके टाइम लैप्स आ जाए तो मोस्टली बीच में थोड़ा बहुत से शॉर्ट दिखा देंगे जो संजीत रिकॉर्ड करेगा एंड यार अब मिलते हैं सीधा रोहतक की तरफ। लेट मी फोकस ऑन ड्राइविंग फाइनली बैक टू रोहतक। ऑल दो रोहतक में MTU के अंदर नहीं पहुंचे हैं। इन शॉर्ट बताऊं तो यार वैसे तो टिगोर की बात करूं एज अ कार तो बहुत सही कार है बस एक जो लोग अल्ट्रोज के कंपैरिजन में थोड़ा सा लूज सा था एंड मतलब क्या कहने का मतलब है कि अल्ट्रोज है दैट यू हैव टू ड्राइव फन। मतलब अल्ट्रोज का कैसे सीन है कि आप ड्राइव कर रहे हैं एक मसल कार ऐसा फील होता है एंड टिगोर इज़ लाइक फैमिली कार आप रिलैक्स हो और आप चलो मतलब यार दोनों ही एक अलग सेगमेंट की कार है इस वजह से डिफरेंस भी समझ आता है। बट ओवरऑल बात करी जाए अगर आपके पास कम पैसे हैं तो अल्ट्रोज टिगोर में परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंड बात करी जाए टिगोर की तो उसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी थी और वो एवरेज दे रही थी 17.4 की सो विच इज़ एन ओवरऑल गुड एवरेज। ड्राइविंग पर डिपेंड करता है एवरेज का भी। ऑल राइट तो कैमरे में बैठे रह रहे 10% और फाइनली घर पहुंच गए। पापा वहां से लेने आ गए थे घर पहुंच गए। अब चलता हूं जिम की तरफ। आज सुबह नहीं जा पाया था मम्मी के ड्रामे के चक्कर में। मम्मी बोली कि उधर जाना और गए थे 9:30 बजे। मतलब 7 बजे मैं जिम जाके 8 बजे वापस आ सकता था बट स्टिल कोई बात नहीं। अब कपड़े चेंज करके भागता हूँ क्योंकि फिर जिम में भीड़ हो जाती है। एंड ऑल्सो वन अनदर थिंग कल में भी फिर से हम जाएंगे एक और छोटे ट्रिप पे। पीस।